और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, बस यही उम्मीद है। अगर आप भी एक न्यू ई रिक्शा लेने के बारे में या ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि एक न्यू ई रिक्शा ख़रीदने से पहले या टोटो जो भी आप बोलते हो अपने राज्य में या स्टेट में जहां भी जैसा आप बोलते हैं, लेकिन इसे यहां पे ई रिक्शा बोला जाता है। और ई रिक्शा को ख़रीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा न्यू चैनल, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, बस यही उम्मीद है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और प्रेस कर देना बेल आइकन ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी ई रिक्शा का, चाहे किसी भी आप कंपनी का ख़रीद रहे हैं, तो उसका बैटरी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो बैटरी जो है मेरी गाड़ी में यहाँ पे लगी हुई है, और जो कुछ भी है यहाँ मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी में 140 एम्पीयर की बैटरी लगी हुई है, वो भी ईस्टमैन कंपनी की लगी हुई है। तो 140 एम्पीयर की ही बैटरी आपको लेनी है, किसी भी शोरूम में आप जाते हैं पहले पूछना है कि कितने एम्पीयर की बैटरी दे रहे हैं। अगर वो बोलता है 140 तो ठीक है, 130-120 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ आपको देखनी है मोटर कितने वाट की है इसके अंदर। इस साइड से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मोटर यहाँ पे लगी होती है किसी भी ई रिक्शा की, वो होती है 1000 वाट की इस गाड़ी में लगी हुई है। आप पूछ सकते हैं अपने शोरूम वाले से कि कितने वाट की है। और तीसरी चीज़ जो है आपको देखनी है शॉकर पीछे लगी हुई है कि नहीं ई रिक्शा में, या आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉकर लगी होती है, आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। और चौथी चीज़ है आपको टायर देखनी होती है कि टायर जो है किस साइज होती है अलग अलग। इस गाड़ी में 90-90-12 की टायर लगी हुई है, और आपको वहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं 90-90-12 की टायर लगी हुई है। आपको देखना है उस गाड़ी में कितने नंबर की टायर है, 375-12 की अगर होती है तो थोड़ी बड़ी टायर होती है और उसकी हाइट भी थोड़ा ऊंची होती है गाड़ी की, और वो अच्छा लगता है देखने में भी, और उसमें हवा भी थोड़ा सा ज़्यादा आप भर के चला सकते हैं, थोड़ा स्पीड महसूस होगा उस गाड़ी को चलाने में। उसके बाद आपको देखनी है कि ये हैंडल जो है, इस गाड़ी का हैंडल आप देख सकते हैं कि कुछ मोटरसाइकिल की तरह होता है, बाइक की तरह आप हैंडल देख सकते हैं, पूरा फ्लैट है और बहुत सी गाड़ियों का तिरछा होता है। तो आप उन गाड़ी को देख सकते हैं, उन गाड़ियों को कि कैसा आप चलाना पसंद करते हैं। इस गाड़ी का तो हैंडल फ्लैट है, फ्लैट या आपका जैसा भी हैंडल होता है, हैंडल तो हैंडल होता है, आप पकड़ के चला सकते हैं। और ये शीशा जो आप देख सकते हैं, जो शीशा रखा हुआ है गाड़ी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शीशा रखा हुआ है कुछ मोटे से पाइप पे रखा हुआ है। बहुत सारे ई रिक्शा में मैं देखा हूँ कि वहाँ पे एक ऐसे करके पतला ऐसा एंगल पे वो शीशा रहता है। बाकी आप जो शोरूम पे जा रहे हैं वो कैसा है वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस गाड़ी में सीटेड देख सकते हैं, सीट जो है इसका चौड़ा है, दोनों साइड का गद्देदार है, बाकी सभी गाड़ी में होता ही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं एक बार फिर बता दूं, इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी गाड़ी का बैटरी और मोटर कितने वाट का है। 1000 वाट का होना चाहिए और बैटरी 140 एम्पीयर की होनी चाहिए, और टायर आपको देखनी है कि 375-12 की होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आप लोगों का कमेंट आता है ई रिक्शा के रिगार्डिंग तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना दूँगा। धन्यवाद।